टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। स्टूडेंट बात करेंगे राजस्थान थर्ड ग्रेड कंप्यूटर टीचर कौन बन सकता है, मतलब कौन फॉर्म भर सकता है, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियोज़ और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहते हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया और मैसेज किया कि राजस्थान कंप्यूटर टीचर कौन फॉर्म भर सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आ चुका था कि एमसीए और जो बाकी हायर डिग्री है वो फॉर्म नहीं भर सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो ऑफिशियल जो ड्राफ्ट जो भेजा गया था वैकेंसी के लिए, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी थी तो उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आपके सारा डाउट क्लियर हो जाए कि कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो थर्ड ग्रेड कंप्यूटर टीचर है, जो इसकी जो वैकेंसी है वो 100% मतलब डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसमें सारी भर्तियाँ एग्ज़ाम के थ्रू फिल होंगी। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें एलिजिबिलिटी है कि बी इन कंप्यूटर साइंस, बी टेक इन कंप्यूटर साइंस, बी इन आईटी, बी टेक इन आईटी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन आईटी एंड बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब आपका बी टेक इन सीएस, आईटी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी एंड बीसीए। तो दोस्तों ये डिग्रियाँ हैं जो फॉर्म भर सकती हैं। तो दोस्तों जिन्होंने भी ये सब किया हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं। और जो हायर डिग्री है, अगर वो उन्होंने जैसे हायर डिग्री होगी आपके बीसीए करके जिन्होंने एमसीए किया है वो बीसीए के बेस पे भर सकते हैं, बीएससी करके जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस करके उन्होंने जिन्होंने एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एमएससी आईटी किया है तो वो भर सकते हैं। लेकिन जो अदर डिग्री करके जो एमएससी या फिर एमएससी कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों ये आपके सामने एलिजिबिलिटी है, तो अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की थर्ड ग्रेड टीचर की, तो अगली वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड के बारे में और व्याख्याता के बारे में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों वैकेंसी जल्दी आने वाली है, आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू।